है एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम में आप किसी भी अकाउंट को रिपोर्ट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, और मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता भी दूंगा कि रिपोर्ट करने से होता क्या है, आखिर में रिपोर्ट होता क्या है और इसको हम रिपोर्ट करेंगे किसी के भी अकाउंट को तो होगा क्या। सो आज अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस, इंस्टाग्राम अपना ओपन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम इस तरफ मैसेज में चले जाते हैं। किसी भी अकाउंट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि इसे मैं ले लेता हूँ। सो अब ये पता नहीं फेक अकाउंट है या रियल अकाउंट है, आई डोंट नो, बट अगर आपको इसको रिपोर्ट करना है तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा गाइस। आपको इसके जो अकाउंट है उसके ऊपर में आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन आ रहा है रिपोर्ट का, ब्लॉक का, रिस्ट्रिक्ट का और हाइड स्टोरी, कॉपी प्रोफाइल यूआरएल, शेयर दिस प्रोफाइल। सो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आप लोगों को कि रिपोर्ट करते हैं कैसे और क्यों करते हैं और इस रिपोर्ट करने से क्या होता है। सो हम रिपोर्ट कर देते हैं गाइस। यहाँ पर आपको रिपोर्ट करने से इट्स स्पैम को करना होगा, इट्स इनअप्रोप्रिएट नहीं करना होगा, आपको इट्स स्पैम कर देना है। सो थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो। सो गाइस यहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद ये हमारा जो प्रोफाइल यहाँ शो नहीं करने लगा, बट आपको नीचे ब्लू लाइन से लिखा हुआ है शो प्रोफाइल, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो प्रोफाइल फिर से आप लोगों को शो करने लगा। बट आप सोचते होगे कि हमें कि आप मतलब कि आप सोचते होगे कि ये तो रिपोर्ट हुआ नहीं, बट रिपोर्ट हो चुका है, इट्स स्पैम। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूँ कि रिपोर्ट करने से होता क्या है कि इस अकाउंट को अगर मैं दो चार बार और रिपोर्ट करूँ किसी भी अदर अकाउंट से और फिर मैं किसी और के अकाउंट से, मतलब कि कम से कम 10-15-20 अकाउंट से मैं अगर एक अकाउंट को रिपोर्ट करूँगा इट्स स्पैम ओनली, तो इसका अकाउंट जो है वो बैंड हो जाएगा। यहाँ से इंस्टाग्राम और यहाँ पर ये बैंड हो जाएगा, अकाउंट इंस्टाग्राम से बैंड हो जाएगा, इंस्टाग्राम इसके अकाउंट को बैंड कर देगा, नहीं इसको अकाउंट को यहाँ पर शो करेगा। सो आई होप के वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल हुई होगी गाइस, और मैंने इस वीडियो में आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कि ये रिपोर्ट करने से होता क्या है और रिपोर्ट क्यों किया जाता है। सो मिलते हैं, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगा, वीडियो पसंद आई होगा तो ज़रूर एक लाइक करो और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो ताकि वो लोग भी किसी के अकाउंट को रिपोर्ट कर सके अगर परेशान करते हो तो। सो मिलते हैं नए वीडियो लिए, तब तक के लिए टेक केयर।